मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज चुनावी सभाएं हैं। जी आपको बता दें कि सीएम गहलोत सबसे पहले खेतड़ी का दौरा करने वाले हैं, कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार के समर्थन में जनसभा करने वाले हैं। इसके बाद आपको बता दें कि बीकानेर के कोलायत में सीएम गहलोत जनसभा करने वाले हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी मदन गोपाल मेघवाल के समर्थन में जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनावी दौरा बता रहे हैं आपको, सबसे पहले झुंझुनू के खेतड़ी में जनसभा करने वाले हैं और उसके बाद बीकानेर के कोलायत में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने वाले हैं। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना फोनलाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ। जी दिनेश, बताएं क्या अपडेट है आपके पास? देखिए लेवना, मिशन 25 को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। कल भी 3 लोकसभा क्षेत्रों में, बांसवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर, 3 लोकसभा क्षेत्रों में सीएम की सभाएं हुई थी। आज भी 2 लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू और बीकानेर, 2 लोकसभा क्षेत्रों में सीएम की जनसभाएं हैं। वहां पर झुंझुनू में खेतड़ी में सीएम की सभा होगी। हेलीकॉप्टर से दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेतड़ी पहुंचेंगे। खेतड़ी में जो कांग्रेस प्रत्याशी श्रवण कुमार हैं, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके समर्थन में वोट की अपील करेंगे। साथ ही बीकानेर में भी सीएम की जनसभा होगी। कांग्रेस प्रत्याशी मदन गोपाल मेघवाल हैं, उनके समर्थन में कोलायत में जनसभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस के समर्थन में जनता से वोट की अपील भी करेंगे। जी दिनेश, बताएं कि झुंझुनू और बीकानेर में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी है? देखिए लवीना, लगातार मिशन 25 में जहां मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं, तो कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में जो शामिल किए गए हैं, जो अभी मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें न्याय योजना का मुद्दा हो या फिर जो भाजपा सरकार के 5 साल की नाकामियां रही हैं, उनको लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या डिप्टी सीएम सचिन पायलट हो, लगातार उनको उजागर करने का कार्य कर रहे हैं। तो पिछले साल में राफेल मुद्दा हो या और सारे मुद्दे, तमाम ऐसी बातें जो पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार ने वादे किए और वो नहीं कर सके, ऐसे वादे सारे और जो अब कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शामिल किए हैं, चाहे 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, चाहे न्याय योजना हो, ऐसी तमाम बातें जो जनता चुनावी लाभ मिल सके, वो तमाम वादों के साथ जनता के बीच जा। दिनेश, तैयारियों को लेकर, सुरक्षा के इंतजाम को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए लवीना, अगर सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेतड़ी पहुंचेंगे, खेतड़ी में दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री की जनसभा है, तो सुरक्षा की दृष्टि से तमाम व्यवस्था प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही अगर सभा स्थल की बात की जाए, तो फिलहाल जनता जो लोग हैं उनका पहुंचना जारी है। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे A1 संवाददाता दिनेश कसाना जो फोनलाइन पर जुड़े थे हमारे साथ और जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज चुनावी दौरे पर हैं, सबसे पहले झुंझुनू में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद बीकानेर के कोलायत में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं।